अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। सो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक ठाक हैं। अभी यहाँ पे मैं अपने किचन की जो है ना क्लॉक वो सेट करवा रही हूँ अपने हस्बैंड से, क्योंकि ये मैंने स्पेशल जो है ना वो मंगवाई थी दराज से। और ये कुछ मैंने मंगवाई थी काफ़ी अर्सा पहले, आई थिंक 11:11 की सेल लगी हुई थी जब मैंने ये ऑर्डर की थी, और ये आ गई हुई थी लेकिन इसको लगाने का टाइम नहीं था, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मेरे भाई की शादी थी। सो उसकी वजह से ना बहुत भाग दौड़ थी, कभी फैसलाबाद जाना आना, शॉपिंग ये वो, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। सो अभी मुझे टाइम मिला और मैं बार बार ना देखने के लिए टाइम बाहर आती होती थी। सो अभी ये आज लग जाएगी और देखें, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मुझे ये कैसी है। सो ये दराज पे मैंने देखी थी और मुझे बहुत ज़्यादा प्यारी लगी थी उस वक्त सेल पे। ये मुझे तकरीबन डिलीवरी शीट भी डाल के ना तकरीबन 3-3.5 में पड़ी, आई थिंक 400 में, हाँ समथिंग इतने ही में कुछ पड़ी थी मुझे। और अभी तक जो है ना ये बिल्कुल अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स कर रही है, सो हाईली रिकमेंडेड। वैसे दराज ने मुझे पैसे तो नहीं दिए लेकिन ये बहुत अच्छी है, अगर आप भी लेना चाहते हैं। और वॉल जो है ना इससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, मेरे बच्चे तो रोज़ आके ना यहीं से टाइम देखते हैं। सो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। सो ये देखें जी, वॉल क्लॉक पे क्लॉक जो है ना वो मेरी वॉल पे लग चुकी है, तो बताइएगा कैसी लगी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। सो अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ अंडा भुर्जी, जो कि रात के टाइम में बन रहा है, हालांकि ये है नाश्ते का टाइम, नाश्ते की डिश होती है लेकिन हमारे तो शाम को भी बन जाता है। सो यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा प्याज लिए हैं, उसको ऑयल में डाल के ना फुल आंच पे अच्छे से मैंने फ्राई कर लिया है। अब मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं, 1-2 मिनट इसे पकाएंगे फुल आंच पे। और अब हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक, ज़ीरा और गरम मसाला पाउडर और सूखी मेथी। सो ये सारी चीज़ें इसमें जाएंगी। सो क्वांटिटी जो है ना वो मैंने आपको नहीं बताई, आप अपने हिसाब से जो है ना वो एडजस्ट कर लीजिएगा। अभी यहाँ पे मैंने 5 अंडे लिए हैं और आप चाहें तो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। सो इसे मैं फेंट लूँगी और मसाला जो है ना वो अभी भी फुल आँच पर पक रहा है। सो पकते हुए ही हम इसको अंडे वाला जो हमने मिक्सचर बनाया इसको डाल देंगे और फुल आँच पर ही हमने इसको पकाना है, यानी कि ये पूरी जो हंडी है ना ये लंच पे ही बनेगी, आपने पास ही रहना है और सारी चीज़ें जो है ना वो आपके पास होनी चाहिए। सो फटाफट से अंडा भुर्जी जो है ना वो रेडी हो जाती है और ये मेरे बच्चों की बहुत फेवरेट है। सो आप भी इसको बनाइएगा और मुझे फिर बताइएगा कि आपके बच्चों की भी ये फेवरेट बनी कि नहीं बनी। और धनिया तो डालना बाकी था, धनिए के बगैर जो है ना वो कोई भी हांडी हांडी नहीं लगती। बस ये अभी मैं यहाँ पर रोटियाँ बना लूँगी और हम इंजॉय करेंगे अपना डिनर। खाने के बाद ना कुछ मीठा हो जाए तो क्या ही बात है। और ये ना मेरे हस्बैंड लेकर आए थे, इधर नई शॉप खुली है केक शेक, सो ट्राई करने के लिए लेकर आए थे कि बताओ कैसा है। तो दिखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, बहुत ऐसे कि मतलब कि ना मुंह में पानी आए और दिल लल चाहिए कि इसको फ़ौरन से मुँह में डाल लें। आपके भी लग रहा होगा ना। तो खैर जी, मैंने चाय भी बना ली थी और यकीन माने बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का था। अभी तक टोबा मैंने जितने भी केक खाए हैं ना उसमें तो ये नंबर 1 पर है, और अब तो ना यहीं से केक आया करेंगे, नेक्स्ट आगे भी बर्थडेज होगी या कहीं भी हमने केक लेकर जाना होगा। सबसे मज़े का है मानो, केक मज़े का है। नहीं करो यार, मेरी चूड़ी जग्गा, मम्मा का जग्गा है ये। माशाल्लाह से तबशरा ने तो खूब केक इंजॉय किया, क्योंकि इसकी जो क्रीम है ना वो भी खाने वाली थी, क्योंकि इसमें बहुत लाइट मिठास थी और जो क्रीम है ना वो भी इतनी थिक नहीं थी जो अक्सर केक्स में होती है, क्रीम भी खाने वाली थी। सो ये बहुत ज़्यादा यमी था जो इसने खूब इंजॉय होके खाया। हो
गया है नेक्स्ट डे और आज है फ्राइडे. सो फ्राइडे जो है ना वो बहुत बिजी डे होता है मेरे लिए और अभी मैं टाइम चेक करवा रही हूँ कि 12:30 हो गए हैं. सो मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा है जिसमें मैंने अपनी कुकिंग जो है वो स्टार्ट करनी है, उसको कंप्लीट करना है. सो आज मैं बना रही हूँ बिरयानी और अपने बचपन के स्पेशल कटलेट्स और रायता. सो फटाफट से यहाँ पे बिरयानी के लिए मैंने प्याज जो है ना उसको फ्राई करने रख दिया था, आलू बॉयल होने रख दिए थे और साथ ही ना प्याज जो थे ना वो लाइट गोल्डन से हो गए थे. सो मैंने लाइट गोल्डन ही करने थे. और यहाँ पे जी चिकन जो है उसमें मैंने नमक और काली मिर्च डाल के इसको भी बॉयल होने रख दिया है, आलू उबल चुके थे. और यहाँ पे प्याज जो है ना वो भी स्नरी हो गए थे, लाइट गोल्डन से हो गए थे. सो ये अभी मैं प्लेट में डाल दूंगी और इसको हवा लगेगी तो ये क्रिस्पी से हो जाएंगे जैसे हमें बिरयानी के लिए चाहिए. सो अभी यहाँ पे ना मैं मैरिनेट करने लगी हूँ चिकन को. चिकन मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन ये हाफ से थोड़ा ज़्यादा है. सो इसमें मैंने दही डाल दिया था. दही इसमें आपने बहुत ज़्यादा डालना है, स्पेशली ये दही वाली बिरयानी बनेगी. और इसमें हमने 3 से 4 टमाटर डाल देने हैं, 2 हरी मिर्चें जो है मैंने साबर डाल दी थी 2-3 काट के डाली हैं. और यहाँ पे जी नेशनल का मैं आपको दिखा रही हूँ बिरयानी मसाला, सो ये मैंने डाल दिया है. नमक डालेंगे हसब ज़रूरत. इसके बाद जी इसमें जाएगी हल्दी और एंड पे लास्ट पे हम डालेंगे ज़ीरा. सो बहुत लाइट से ना इसमें मैंने स्पाइसेस रखे क्योंकि मेरे बच्चों ने भी खाने हैं, लेकिन ट्रस्ट मी ये टेस्ट जो है ना वो ऐसे लगती है जैसे हम बाजार का ही खा रहे हैं. सो इसको मैं मिक्स कर लूँगी और इसको मैं रख दूँगी उतनी देर जितनी देर के मेरी बाकी चीज़ें जो है ना वो हो जाएँ. अब उसी बर्तन में जिसमें हमने प्याज फ्राई किए थे उसमें मैं 1 खाने का चम्मच अदरक और लहसुन डाल दूंगी. इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे. इसके बाद जी हमने इसमें चिकन जो मैरिनेशन की हुई थी वो डाल देंगे. इसको अच्छे से करेंगे मिक्स. बाउल में थोड़ा सा दही रह गया था सो मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाला और वो भी हमने ज़ाया नहीं करना, वो भी मैंने इसी में ही डाल दिया था. अब इसको हम ढक देंगे और पकने के लिए रख देंगे. दूसरी तरफ में हमने क्या करना है कि पानी ले लेना है. इसमें मैंने धनिया पुदीना नमक डाल दिया है. अब इसको हम बॉईल आने देंगे और चावल एक तरफ मैंने भिगो दिए थे. सो यहाँ पे देखें चिकन जो है ना वो अच्छा खासा पक चुका है. मैं थोड़े से जो हमने प्याज नरी किए थे वो डाल देंगे, थोड़े से हम रख लेंगे और आलू बुखारा डालेंगे, इमली का पानी इसमें हम डालेंगे. सो दोबारा जो है ना हम इसको पकने के लिए रख देंगे. टाइम तेज़ी से भागता जा रहा था क्योंकि 1.5 घंटे बाद गैस चली जानी थी और ऐसे लग रहा था जैसे मैं मास्टर शेफ की क्लास में खड़ी हुई हूँ. सब यहाँ पे पानी भी बॉईल हो चुका था, इसमें मैंने राइस डाल दिए थे और अब हम इसको इतना पकाएंगे कि बस थोड़ी सी इसमें कसर रह जाए. बिरयानी में अक्सर चावल जो है ना वो पूरे नहीं बॉईल होते. सो यहाँ पे देखे कौरमा कितना मज़े का रेडी हो गया है, ऑयल भी ऊपर आ गया था. अब मैं इसमें चावल जो है ना वो डाल दूंगी. जब भी मैं बनाती हूँ अक्सर जो है ना मैं लेयर ही देती हूँ बिरयानी की, लेकिन अभी क्या था कि टाइम ही नहीं था और बस मैंने ग्रेवी के ऊपर ही ना चावल सारे डाल दिए थे. और एक जो चीज़ है ना मैंने चावलों में बॉयल करते हुए नहीं डाली वो है जी साबुत खड़े गर्म मसाले. सो मेरे बच्चे जो है ना वो निकाल देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा जो है ना वो इसमें प्रॉब्लम होती है कि हर एक एक बाइट में वो आ रहा होता है. सो बस फिर मैंने उसको स्किप कर दिया. आप चाहें तो डाल लें. अब जी इस पे ऊपर जो लवाजमा डालते हैं टमाटर धनिया पुदीना वो जो प्याज हमने गोल्डन की थी वो और हरी मिर्चें और फूड कलर डाल के मैंने इसे दम पे रख दिया था. अब आ जाते हैं जी मेरे बचपन के स्पेशल कटलेट्स की तरफ जो कि बहुत ज़्यादा मज़े के बने थे. और इसमें मैंने आलू बॉयल किए, चिकन बॉयल करके श्रेड किया, इसमें मैंने धनिया पुदीना डाला, नमक डाला, काली मिर्च पाउडर डाली और लास्ट में जी मैंने इसमें प्याज भी डालना था जो कि अभी मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ था. खैर आपके पास हो तो इसे थोड़ा सा मक्खन में फ्राई करके इसमें डाल दीजिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा. अभी यहाँ पे जी मैं साथ साथ ही ना अंडा फेंट के और इसको फ्राई करती जा रही थी और दम जो है ना वो अभी तक लगा हुआ था. माइन को बहुत पसंद है. हाँ जी. पसंद आई है. चले जाए फिर खाए इंजॉय करें. बाकी सारे कटलेट्स भी मैंने फ्राई कर लिए थे और यकीन माने ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे, लाइट से थे और इसमें मैंने कोई इतनी खास स्पाइसेस भी नहीं डाले थे. बच्चे बड़े शौक से खाते हैं. आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं और यकीन माने ये बहुत ज़्यादा मज़े के थे. और बस जी यहाँ पे देखे 2 बज चुकी हैं और मैं इतनी हैप्पी थी कि 2 मतलब कि 1.5 घंटे में मेरा सारा काम जो था ना वो हो गया था. अब जी बारी है सर्विंग की. मेरे हस्बैंड भी आ गए हुए थे, हम लोगों ने नमाज वगैरह भी पढ़ ली थी. अब बस हम खाने के लिए इसको रेडी थे और गर्मा गर्म जो है ना बिरयानी मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ. कटलेट्स भी मैंने निकाल लिए, इसको मैंने दोबारा से गर्म कर लिया था और रायता भी मेरा रेडी है. सो ये जी मेरी सज चुकी है, टेबल तो नहीं सज चुका है दस्तरखान, क्योंकि आजकल ना मतलब हमारा है बाहर ओपन एयर तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है. सो फिर हम ना अंदर ही दस्तरखान बिछा कर बैठ जाते हैं और यहीं पर ही हम अपना खाना जो है ना वो इन्जॉय करते हैं.
सो आई होप कि आपको जो है ना ये मेरा फास्ट कुकिंग वाला जो है ना व्लॉग जो मैंने 1.5 घंटे में बनाया सो अच्छा लगा होगा। सो ये रहा जी हमारा फ्राइडे वीकेंड जो कि स्टार्ट हुआ है बड़े अच्छे तरीके से। आप भी इसको घर में बनाएं, अपने सारी पूरी फैमिली को इंजॉय करवाएं। सो अभी यहाँ पे मैं खाने लगी हूँ अपना लंच और आपसे लेती हूँ इजाज़त। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।